हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोग का आज का मेरा सोलो ब्लॉग्स भाई कार्तिक यूट्यूब चैनल पर। चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, चलिए फ्यूचर में ज़रूर आप कीजिएगा। मुझे पता है ऐसा कंटेंट ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आज बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। आज लगभग मैं 6 बजे के लमसम मैं आज गया था यूरिया लाने के लिए। मेरा गेहूँ बोया हुआ है अपना खेत में, मैं ही किया हूँ, मैं ही समझ लिए कि मैं ही खेती कर रहा हूँ। तो वही यूरिया लाने के लिए गया था। लगभग 1 महीना से पता चला है कि यूरिया का स्टॉक ख़त्म बिहार में। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। 6 बजे के लाइन लगाने 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 के बाद कैसे कैसे आज मिला है। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। अभी सब लोग पटा भी रहे हैं, जिनको जिनको पहले मिल गया है वो लोग पटा रहे हैं। देखिए आप लोग को 2-3 व्यक्ति दिखेंगे स्कूल के बगल में। बहुत ज़्यादा ही ठंड है। मैंने समझ लिया कि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। लगभग 6 डिग्री का टेम्परेचर, हाँ हो गया था, 6 डिग्री के लमसम टेम्परेचर गिरा हुआ था। इतना स्थिति ये डाउन हो गई थी। अब देखिए कैसे क्या होगा। और धूप भी आज नहीं निकल रहा है। अभी जस्ट नाश्ता करके मैं आया हुआ हूँ। तुरंत ही नाश्ता किया, कंप्लीट किया। अभी मैं एडिटिंग कर चुका हूँ, बस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जस्ट मुझे लगभग लग रहा है कि अप्रोक्स 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद देखिए अभी स्थिति देखिए कितना ज़्यादा हवा चल रहा है। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। देखिए धूप का कोई था पता नहीं है। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। मैंने सुबह बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जा रहा है। इतना स्थिति इतना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखिए अब देखिए हम लोग का गांव के कुछ एक दो जन भैया सब है, तो वो लोग से बात हुआ था कि 30 तारीख को कुछ पार्टी किया जाए न्यू ईयर को लेके। अब देखिए अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। रात को कॉल आया हुआ था, लेकिन रात को मैं थोड़ा थक गया था, ये कारण से सो गया जल्दी। कॉल किसी का रिसीव नहीं कर पाया। अब देखिए सोच रहा हूँ कि जाओ उनके तरफ या फिर उनको व्हाट्सअप करूँगा, क्या बात है क्या नहीं। अगर ऐसा कुछ पार्टी कुछ ऑर्गेनाइज़ हुआ तो आप लोग को ज़रूर मैं कुछ ना कुछ अपडेट दे दूँगा। मैंने कल वाला वीडियो आज 1 घंटा में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए मुझे भी पटाना है खेत, समझ गए ना, मुझे भी खेत पटाना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 5 तारीख के लमसम पटाओ, अभी ठीक से हुआ भी नहीं है। तो वही अभी सोच रहा हूँ, ला के मैंने यूरिया ला के रख दिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं छीट के पटा लूँगा। क्योंकि मान लिया कि जिसमें पटाना हो उस समय ला के रख दूँगा तो दिक्कत है, क्योंकि उसमें मिले या ना मिले सबसे बड़ा झंझट ये रह जाएगा। आज तो कैसे कैसे सुबह निकला तो मिल गया, नहीं मिलता तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। ठीक है, कुछ बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे। चलिए ठीक है, वीडियो साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरा देखिए। वीडियो का आप लोग को देखना होगा। आप लोग एक चीज़ बताना मैं भूल जा रहा हूँ, आप जब वीडियो सब्सक्राइब करो ना तो बगल में बेल आइकन हो, मारो उसको जूता चप्पल से। अब बेल आइकन को एक्टिवेट जरूर करो कि मैं कोई भी वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगा आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्या ढीला हो गया है? तो उसमें ठीक लग रहा था, तो तरवा ने बनाई थी। बुकुनिया
गरम राइस मिलता है बहुत टेस्ट में। बताओ हमारे लायक हो जाएगा? हाँ पर ऐसी भाई ना तो हम वैसे कौन है स्टार अब एक ही बार आएगा तो उतना ही मुड़ी में अब प्रतिमा दीदी के भी लगे जाएगा, चित्रंजन भी लेके जाएगी। टाइम तो 12 बज गया है। आए बात छोलने से उठा के देखा कि जीरा था कि ना। बाबा तो उन्हें यहाँ मत तार बना। चलिए। स्कूलों को घंटी बजता लगता है कोई मर गया। जो है भगवान जी के बोला तन बतवा दी ना मत सोन। अब तो हाथ में सो देता है। देखा तू ओकरा के मार कर देलु। मैंने ढेर मीठा खाइले बारन देगा ढेर भाव चढ़ता है। तू बनाते जा, हम खा खा के टेस्ट करते जा रहे हैं।
अब दागी लूना नहीं चल रहा अब देखना आज कहाँ दागी आज दागी भी नहीं देखिए दोस्तों, मम्मी लाई बना रही थी तो एक लाई मम्मी का नज़र घुमा, मैं लाई लेके आ गया। मुझे गरम गरम लाई बहुत ज़्यादा पसंद है। रहा बात, एक प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरा थोड़ा रूट में जो दांत है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैंने ब्रश थोड़ा जल्दी जल्दी मैं ब्रश करता हूँ तो झटका लग गया, तो मांस थोड़ा फूल गया है। दर्द होता है कोई भी चीज़ खाने में, समझ लिए कि रोटी खाता हूँ तो और भी ज़्यादा दर्द होता है। रोटी या कुछ भी हर चीज़ जो ज़्यादा खाता हूँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए अभी लाई लेके आया हूँ, खा रहा हूँ। थोड़ा आई कॉन्टेक्ट में कैमरा से हट जाता है, नोटिस मत कीजिएगा। चलो ठीक है, खा रहा हूँ, बताता हूँ कैसा बना। गजब, ज़्यादातर इसको मकर संक्रांति में खाया जाता है, लेकिन हम लोग पहले खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है इस समय खाना, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा के बाद भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गरम गरम और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गरम गरम कभी दो तीन लेके बैठ जाता हूँ खाने के लिए। आप लोग को वीडियो में दिखाया है कैसा बन रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन मज़ा आ रहा। सोचा कि धूप में बैठ के खाऊंगा, सूरज देवता आज उगे ने, हम इंतजार में रह नहीं सकते हैं। चलो शुरू किया जाए। बहुत सारे हमने भारत में ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर से खरीद के खाते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है। मेरे यहाँ मार्केट में बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा लाई बनाते हैं, लड्डू के साइज का, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मम्मी को आता है ये सब बनाना, हम लोग को खाने आता है ये सब।
इस सब को खाने में बहुत अच्छा टैलेंट चाहिए आपको। बिल्कुल एक चिड़िया की तरह आपको टैलेंट चाहिए। एक एक भी दाना चुन चुन के खाते रहिए। देखिए हाथ में फंसा हुआ है, उसे खाना होगा। फाइनली ख़त्म हुआ, समझिए। एक लाई खाने में लमसम मुझे 6.5 मिनट लगा है, 6 से 6.5 मिनट लग चुका है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और सब्सक्राइब तो आपको कंपलसरी है करना, बेल आइकन पर हिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हिट करने से ये हो जाएगा नोटिफिकेशन कोई भी ऑन हो जाएगा आपका, कोई भी क्या आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ।